देखिए, हम लोगों ने कल जो है रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्वेश्चंस आपने देखा है कि ऑप्शन से हो रहे थे, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, उसके बाद हम लोग शीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे। रेशियो को किसी तरीके से लगाया जा सकता है, क्या हम जो है बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको जब तक पूरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे आप, हर जगह आपका ये यूज होने वाला है ना ये कॉन्सेप्ट। इसमें होता है क्या, जैसे आप जानते हो कि आपके पास जो है वो थ्री टाइप्स की कैलकुलेशन होती है। जैसे आपको यहाँ पे हमने लिखा है इन टू बी इन टू सी, यानी बहुत सारे नंबर का लगातार क्या मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है, मल्टीपल दे रखा है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। दूसरे टाइप कैलकुलेशन क्या होती है, ए बी सी अपॉन, यानी कुछ मल्टीप्लाई करके नंबर दे रखे हैं उससे कुछ डिवाइड करना है आपको, डी ई एफ टाइप की। इसका मतलब ऐसे दे रखा है 13 इंटू मान लो 5 इंटू 7, इस टाइप की कैलकुलेशन होती है। दूसरी टाइप की कैलकुलेशन में क्या है, आप जानते हो कि ऐसे दे रखा मान लो 7 है 13 है ना 9/3। बात समझ में आ गई कि एक ऊपर कुछ दे रख के मल्टीप्लाई दिया है, नीचे भी कुछ क्या कर रखा 5 4, इस तरह से एक दूसरे टाइप की कैलकुलेशन हो गई। तीसरे टाइप की जो कैलकुलेशन मिलेगी आपको कि देगा कि ए यूनिट की वैल्यू बी है, तो जरा बताओ सी यूनिट की वैल्यू क्या होगी। इस तीन के अलावा पूरे मैथ्स में या पूरे क्वांट में आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं जो है देखने को नहीं मिलेगी। इन्हीं तीन टाइप्स की कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आने वाली है। सबको मल्टीप्लाई करना है, या कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे कुछ डिवाइड करना है, या फिर ए यूनिट की वैल्यू इतनी है जरा बताओ कि सी यूनिट की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ गई, तो थोड़ा इस पे देखिएगा। अगर यहाँ से ए यूनिट की वैल्यू बी है तो सी यूनिट की वैल्यू अगर पूछेगा तो ए की बी, तो सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, बी इंटू इसका मल्टीप्लाई करिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए बी सी अपॉन ए। तो ये टोटल आपके पास थ्री टाइप्स की कैलकुलेशन है, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं एग्जाम में अगर आता है, वो चीज़ हम लोग आगे जाके आगे जो है सीखने जा रहे हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है उसको देखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, हमने आपके सामने लिख रखा है 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 19 का, जरा बताओ आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपके सामने क्वेश्चंस है। एग्जाम में क्या होगा कि आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे। अब जो इसका मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आंसर आएगा, चार ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें, हाँ थर्ड टाइप का यूनिटरी मेथड है, तो इसमें क्या होगा, जो आंसर आएगा वो पहली बार 7 से डिवाइड होगा, यानी 7 का मल्टीपल होगा। जो भी नंबर आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 9 से भी डिवाइड होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा। वो 11 का भी मल्टीपल होगा, यानी 11 से डिवाइड होगा, और 19 का भी मल्टीपल होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कुछ नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं तो रिजल्ट जो भी आएगा वो रिजल्ट वो टोटल नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद वो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा, यानी उसका मल्टीपल होगा। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। बात समझ में आ गई, मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 7:9 क्या होता है, 63, तो क्या 63 7 से डिवाइड नहीं है, 7 9 क्या 63 9 से डिवाइड नहीं है, बिल्कुल डिवाइड है। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो जो रिजल्ट आएगा वो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या रखना है, जैसे ये है 13 इंटू 9 इंटू 14/21। इस टाइप की अगर कैलकुलेशन अगर आपको कहीं पे दिखती है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे यानी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आंसर में जरूर आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 13 है, तो आंसर जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आएगा उस आंसर में आप देखेंगे वो 13 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि 13 कट नहीं रहा है, तो आंसर में 13 का मल्टीपल होगा। यानी जो ऑप्शन आएगा उसमें आप ये देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कि 21 है, तो 3 7 जा कैंसिल करते, तो फिर यहाँ पे लिखते 3 3 जा, ये 7 इसको कैंसिल कर देता, 7 2 जा। तो आप ये देख रहे हैं कि 3 13 आपस में क्या बच जा रहा है कि नहीं, यही 13 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 78 आएगा, 78 जो 13 से डिवाइड हो रहा है।
तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस टाइप की कोई कैलकुलेशन आपके सामने आती है तो आपको ये देखना ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे से नहीं कट रहा है। तो जो नंबर अगर नीचे से नहीं कट रहा है, अगर ऊपर मौजूद है तो आंसर में जरूर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये दिमाग में रखना है, अगर कुछ नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है तो आंसर जो भी आएगा वो उन सभी नंबरों से क्या होगा, डिवाइड होगा। 7 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी होगा, 11 का भी होगा, 19 का भी होगा। मुझे लगता है इन दो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। मैंने आपसे कहा कि अगर कुछ नंबर्स दे रखे हैं 7, 9, 11, जरा बताइए जो भी इसका आंसर आएगा वो 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, साथ ही साथ 19 से भी डिवाइड होगा। दूसरा मैंने बताया कि दूसरे टाइप की जो कैलकुलेशन आती है, समथिंग कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है ऊपर डिवाइड किया है, तो मैं बोला आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा जो ऊपर ऐसा कोई नंबर है जो कि नहीं कट रहा है नीचे से, तो वो आंसर में आना ही आना है ना, तो आंसर में आएगा, यानी वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि 21 नीचे है, 13 क्योंकि नीचे से नहीं कैंसिल हो रहा है तो 13 आंसर में जरूर मिलेगा आपको। तो आप बिना मल्टीप्लाई किए ऑप्शन को देख करके, 13 का मल्टीपल ऑप्शन में देख करके आंसर कर सकते हैं इजिली तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है, इसी को बोला जाता है मल्टीपल देख करके आंसर करना। मल्टीपल देख का मतलब होता है कि मल्टीपल देख करके आंसर करना, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। यार 7 बच जाता है तब सर, 7 बच, हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि वो कैंसिल ही नहीं कर रहा है नीचे, तो फिर आंसर आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे, तो फिर डेसिमल में आएगा वो। अगर मान लें 7 जो कैंसिल किया कह रहा कोई नहीं करता, तो जब नहीं करता तो फिर आंसर आपका डेसिमल में आएगा, तो फिर आप ऑप्शन से देख करके या मल्टीपल देख करके आंसर नहीं कर पाएंगे। ये तब कर पाएंगे जब आपका आंसर इंटीजर में आ रहा है। बात समझ में आ गई? अगर आपका आंसर आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे यही चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई डाउट जरा बता दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। तीसरा देखिए कैलकुलेशन क्या कहती है आपसे, अगर ये यूनिट की वैल्यू बी है, जरा बताओ सी की क्या वैल्यू होगी। वही वाली चीज है जिसे इन्होंने दिया है कि यूनिटरी मेथड। मैंने आपको यूट्यूब पे एक क्लास दे रखी है यूनिटरी मेथड की, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कई जगह जब तक क्वांट पढ़ेंगे हर जगह उसका जो है एप्लीकेशन जो है यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रखा है कि 6 यूनिट की वैल्यू ये है, जरा बताओ 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू ये है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर एड कर दे, 11 × 642/6। आप ये देख रहे हैं कि ये 11, देखिए ऑप्शन में 11 आ रहा है कि नहीं, तो आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 6 जो है इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दे रहा है, देखिए ठीक है ये पूरा कैंसिल करेगा, तो जाहिर सी बात आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो ये आपकी थर्ड कैलकुलेशन है, अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन आती है तो मल्टीपल देख करके बिना मल्टीप्लाई किए ऑप्शन को देख करके कैसे आंसर करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दे रखे हैं, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। 8 यूनिट की वैल्यू ये, जरा बताओ 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। सेम वही चीज, कैलकुलेशन क्लास वॉस इसी तरीके, जरा देखिएगा इधर आपका क्या है, 8 यूनिट की वैल्यू ये 15 की निकालिए, तो यहाँ पे आप आसानी से फिर वही कर ले जाएंगे, 15 × 10/18 करेंगे, तो आंसर में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 1170 है, तो आंसर 13 का मल्टीपल में आएगा। आप खुद सोचिए ना, 15 11 ये हो जाएगा अपॉन 8, जरा बताइए आंसर क्या आएगा। आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे 8 है, 117, अगर 13 की टेबल आपको याद है, 13 9 17 क्या होता है, 117 होता है, तो 13 तो कैंसिल होगा ही नहीं, इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो जो भी नंबर ऊपर आपका बच जा रहा है, अगर आंसर आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो ये मान के चलिए जो नंबर ऊपर बच रहा है वो उसका मल्टीपल होगा। यही कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसका एप्लीकेशन इतना जबरदस्त है, आप देखेंगे आंसर को देख करके तुरंत आप आंसर कर देंगे बिना सॉल्व किए। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग लगाएंगे, अभी आपको इसका पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। यहां तक अगर कोई दिक्कत जरा बताइए आप लोगों को, आपको बस एक लाइन याद करनी है, जो भी वो नंबर ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है नीचे से, तो वो उसके मल्टीपल में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दे। यहां तक अगर आपका हो गया है, देखिए मेंसुरेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, इसको भी जरूरी नहीं ज्यादा सीखने की, है ना। आगे चलते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग शीट का डिस्कशन करेंगे।
थोड़ा सा आप इवेट कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैं कह रहा हूं कि अगर दो नंबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर दो नंबर है, अगर दोनों का रेशियो दे रखा है 3:8, इस पर कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछे, आपसे क्वेश्चन देगा ना, दो नंबर टू नंबर से इनका रेशियो ये है, तो जरा बताइए फर्स्ट नंबर क्या होगा, जरा बताइए सेकंड नंबर क्या होगा। आपसे पूछ लेगा दोनों नंबर का सम क्या होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। तो लोग तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझिएगा क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर आपसे पूछा, जरा बताओ दो नंबर का रेशियो इतना इतना, जरा बताइए फर्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर जो भी होगा, ध्यान दीजिएगा ये 3 यूनिट है, इसको हम बोलते हैं 8 यूनिट। फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन कोई भी आंसर आप निकालेंगे, फर्स्ट नंबर जहां भी होगा वो 3 के मल्टीपल में ही आएगा। सेकंड नंबर जो भी आपका होगा 8 के मल्टीपल में ही आएगा। अभी हम क्वेश्चन पे करेंगे, अगर कोई आपसे पूछे जरा बताइए दोनों नंबर का सम बताइए, तो हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों को यहाँ सम मतलब दोनों को ऐड करिए। तो अगर मैं दोनों रेशियो को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ ये 3 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, कितना हो जाएगा 11 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर का जो सम होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि जरा बताइए दोनों नंबर का डिफरेंस बताइए, दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा 8 माइनस 3, 8 को में से 3 निकालो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी 5 का मल्टीपल होगा। सेकंड नंबर से 8 का मल्टीपल होगा, फर्स्ट नंबर 3 का मल्टीपल होगा, दोनों का सम 8 3 11, 11 का मल्टीपल होगा, दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3 यानी 5, 5 का मल्टीपल होगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से डिवाइड होगा। अगर पहले नंबर की बात करेंगे, सेकंड नंबर की बात करेंगे तो 8 का डिवीजन 8 से डिविजिबल होगा वो। अगर मैं दोनों के सम की बात करूंगा तो 11 से कटेगा वो। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करूंगा तो 5 से कैंसिल आउट होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्वांट को डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है। कभी भी आपको फॉर्मूले ये सब दिमाग में नहीं लगाना, लॉजिक रखिए, कॉन्सेप्ट साथ में रखिए, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, रेशियो का देखिए डायरेक्ट। जो क्वेश्चन मैंने अभी कल मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, रेशियो में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन रेशियो का यूज बहुत जगह है। रेशियो का यूज करके आपसे मिक्सचर इरिगेशन में क्वेश्चन आते हैं, रेशियो का यूज करके पूरा प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन आता है, रेशियो का यूज करके जो एप्लीकेशन जान लीजिए एवरेज में आता है। तो आप बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे रेशियो का डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछ करके, लेकिन इसके एप्लीकेशन, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज, क्या रिपीट करें बताइए, बताइए जितना भी बताएगा। इसमें कोई डाउट हो तो जो चीज ना समझ में आई हो एक बार पूछ लीजिए, अभी क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, तो अभी आप देखेंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था ये। जल्दी बताइए कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो इसमें, जरा बताइए तो मैसेज कर दीजिए। क्या रिपीट करना बताइएगा। अरे रिपीट करना तो क्या, मल्टीप्लाई कौन सा, अभी वाला रिपीट कर दीजिए। मैं देखिए मैंने क्या कहा, दो नंबर अगर 3:8 के रेशियो में है, आपसे पूछा फर्स्ट नंबर बताइए, तो ऑप्शन में ये चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो दो तीन ऑप्शन आता है फिर हम सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पहले ये देखेंगे कि पहला जो जो भी नंबर होगा पहला वाला वो 3 का मल्टीपल होगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 3 का मल्टीपल हो, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ गया, आपको लगाना ही नहीं पड़ा। आपने पूछा सेकंड नंबर बताइए, आप पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पहले देखेंगे वो जो भी नंबर सेकंड नंबर होगा 8 का मल्टीपल होगा। हो सकता है, अब बता रहा हूँ भाई आपको, हो सकता है कि 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन हो, आपका आंसर हो गया बिना लगाए। दोनों नंबर का सम बताइए पूछ लिया, तो नंबर थोड़ी निकालने जाएंगे, डायरेक्ट ही देख लेंगे 11, आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देंगे। हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 11 से कट रहा हो, ये आपका आंसर हो गया बिना सॉल्व किए। ये चीज पे पकड़ लगानी, यही सारी छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके पूरे अर्थमेटिक में यूज होंगे और ये आपको इतना हेल्पफुल होंगे, आप खुद देखिएगा कि बहुत सारे जगह आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और टाइम में आपका तभी मैनेज होगा जब आपको कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी चीजें कौन पता हो कि कहाँ पे कम लिखना पड़े, डायरेक्ट आंसर आए, ज्यादा ज्यादा है ना, ज्यादा बैठ बैठ के लिखना नहीं है, समझना है और आंसर करना है, बस यही दिमाग में होना चाहिए। चलिए ठीक है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई ऊपर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, चीज़ें मैंने समझा थी कई बार,
है ना। और दूसरी बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपके लिए कि आपको पूरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में 2023 की है, उसको एक बार देख लीजिए आप लोग, पूरी क्लासेस पढ़ी हुई उसको देखिए, फिर आगे लाइव में आइए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमेशा यही किया करिए, एक बार वहां पे देखिए फिर लाइव आया करिए, तो दोनों चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्लास तो स्टार्ट है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ सीट के क्वेश्चन लगाना, जरा बताइए पहला पहले में क्या होना चाहिए। देखिए जिन्होंने कल की क्लास की है, जिन्होंने कल की क्लास की उन्हें पता है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर रखा है, जो हमने लगा रखा है उसको जल्दी जल्दी करेंगे। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा। 2a = 3b = 5 से आप जानते हैं ए बी सी का रेशियो निकालना है, सभी लोगों को पता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए, ए को बंद करिए, 5 3 = 15 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, है ना। बी को क्लोज करेंगे तो 5 2 = 10, सी को क्लोज करिए 2 3 = 6। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने कल की क्लास की है, हमने ये क्वेश्चन कल बताया था, मुझे नहीं लगता है कि आज मुझे इसे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगला बताइएगा, इसको बताइए तो सभी लोग, सेम क्वेश्चन आ गया क्या ये, डी ऑप्शन होना, चलिए ये भी हो जाएगा, तो सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना। चलिए इसको बताइए क्या होना चाहिए। ए बी का रेशियो 1:2 है, बी सी का रेशियो 3:4 है, सी डी का रेशियो इतना है, जरा बताइए। ए बी बी सी सी डी, यहाँ डी लगा लीजिएगा, ठीक है। जरा बताइए ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, कोई ऑप्शन बताए, ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करिए, ऐसा ऑप्शन जिसमें ए और बी का रेशियो 1:2 हो। कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन गया। फिर बी सी चेक करिए, 3:4, 3:4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 3:4 नहीं है, यहाँ पे बी सी 3:4 नहीं है लेकिन यहाँ पे देखिए 2 3 जा और 2 4 जा, यहाँ पे बी सी जो है आपका 3:4 है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट, अगर कल की क्लास किए हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए, बहुत ही आसान है, ऑप्शन देख करके आंसर करिएगा। हम लोग ने कल क्वेश्चन जो है इस टाइप के किए थे, किसी को डाउट हो तो मैसेज भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको बताइए, ए बी का रेशियो 2:9:1 कितना है, 1/3 है, बी सी का दे रखा है, उसके बाद सी डी का, डी सी का दे रखा है, आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछ रखा है, बताइए क्या होगा ऑप्शन, आंसर बताइए। अच्छा चेक करते, चेक करा, देखो क्या करना है इस वाले में, कैसे चेक करते हैं, क्लास कल की मैंने पूरा बताया है, कल की क्लास में मैंने बताया है कि कैसे चेक करते हैं। देखिए ए बी का रेशियो पूछा है, तो ए बी जिला पहले बताइए कि जो यहाँ पे दे रखा है इसमें ए बी का रेशियो क्या आ रहा है, बताएगा, रखा है 2:9 रेशियो 1/3, 3 1 जा कैंसिल कर लो, 3 3 जा, तो यहाँ देखिए 1 आ गया, तो 2 1 2 1 करिए 2 और 3 * 1 3, यानी ए बी में 2 और 3 का रेशियो आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, हर जगह है ना, 8 2 जा 8 3 जा, यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे भी है क्या, यहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन गया। तो जरा बताइए अगला फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं इसके बाद, जब ए बी में निकला, अब हम बी सी का चेक करेंगे, तो बी सी में अगर मैं देखूं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4 और 5, 4 और 5 कहाँ दिख रहा है, 4 और 5 देखिए, 4 और 5 यहाँ भी है और 4 और 5 यहाँ भी है, तो अब बताइए, ये तो गया, अब आपका बी और सी में ऑप्शन आ गया, आप बताइए फिर क्या करेंगे हम लोग, लास्ट चेक करेंगे, यहाँ अगर मैं देखूं तो 5 1 जा 5 है ना, और 5 2 जा 10, 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6, डी और सी में, डी और सी में ध्यान दीजिएगा 7:6 है, तो सी और डी में क्या रेशियो होगा, 6:7, तो जहां पे 6 और 7 का रेशियो होगा वही आपका आंसर होगा, तो 6 7 यहाँ तो हो नहीं रहा है, मेरा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऐसे करना है। ये बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम आई चेक करने में, कल तो कराया था ये, पूरी कल की जो क्लास थी ये इसी पे बेस थी, इसलिए मैंने कहा था एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आज जो है दिक्कत नहीं है, आई हाँ, अगर कोई लास्ट से स्टार्ट करता तो ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है लास्ट वाला जो आ रहा था वो 6:7 आ रहा था, तो इस तरीके से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी ये चेक करना नहीं आता है, अगर पहली क्लास देखे हैं तो
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीजें नहीं आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो बताइएगा, क्लियर है? क्या प्रॉब्लम बताइए, आप बताइए अपना। अच्छा 6:7 का। अच्छा देखो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये बताइए डी और सी, देखिएगा फिर से डी और सी का रेशियो क्या दे रखा है, 7:10 रेशियो 3:5। मैंने कहा कि 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 का 1 में और 3 का 2 में, कितना हो जाएगा 7 1 7, और ये देखिए 2 इधर 3, 3 2 6। ये डी और सी का रेशियो है ना, यहाँ पे सी डी आया है, तो सी और डी का रेशियो क्या होगा, इसका उलट दो ना, इसको रिवर्स करो, 6:7, यही तो कह रहे थे, ऐसे तो आएगा। ये है सी और डी का रेशियो 6:7। अब आ गया, तो बताइए आ गया कि नहीं, जल्दी बस मैसेज करिए जिनको नहीं समझ में आया था, अब आ गया कि नहीं। चलिए ठीक है, अभी देखिए बहुत ही नए नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे। इसको बताइए ABCD, तुरंत बताइए, अब तो हो जाना चाहिए, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1, यहाँ पे 4, AB का रेशियो 4:3, AB का रेशियो 4:3 कहाँ पे दिख रहा है, 4:3, एक ही ऑप्शन मिल रहा है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए सभी लोगों को आ गया कि नहीं, बाकी तो कहीं नहीं दिख रहा है, आंसर हो गया। बताइए इतनी इतनी जल्दी आंसर आप लोग करेंगे, 4:3, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है? आप में से कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कैसे चेक किया जाता है? ऑप्शन सी, एक ही ऑप्शन चाह 4:3 देखा मैंने, और कहीं पे भी पहला ऑप्शन में ए बी का रेशियो, जबकि यहाँ पे 4:3 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये चीजें सीखिए, मैं यही चीज कह रहा हूँ, हमको हमेशा क्वेश्चन नहीं लगाना है रेशियो का, जितना भी क्वेश्चन, अभी जामिया का क्वेश्चन 2023 में पूछा है, एमयू में, जामिया में, अभी हम लोग जब इसके क्लास जब खत्म हो जाएगा, ये क्या नाम है रेशियो प्रपोर्शन, जब हम लोग PYQ करेंगे तो मैं दिखाऊंगा, देखिए कैसे लगता है, आप लोग खुद ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। आगे चला जाए, इसको बताइए ACD, ये वाला तो हो जाएगा, इसको बताइएगा AB का रेशियो 2:5। ए सी डी, सबसे पहले सी और डी चेक करिए, कल का मुझे लगता है कल का ही क्वेश्चन है ये, सी और डी में रेशियो कितना है जरा बताएगा, यहाँ पे 2:1, 2:1, 3 जगह दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2:1, यहाँ पे भी 2:1, यहाँ पे भी 2:1, अरे 15 1 15 2 15 1 15 2 2:1, 10 1 10 2 2:1, हर जगह 2:1 है। एसी कैसे निकलता है आप जानते हैं, कल बताया था, ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी अपॉन सी से, तो बी बी कैंसिल होगा तो ए बाई सी निकल आएगा। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है 2/5, और बी अपॉन सी है 4/3, दाई क्या है 8 और 15, कहाँ दिखा 8 और 15, हाँ तो कहाँ दिख जाएगा जरा बताइए, ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए 2/8, 2/8 और 2/15, 8:15। तो हमने देखा ऑप्शन बी में हमें ए और सी का रेशियो 8:15 मिल गया, मैंने डायरेक्ट आंसर टिक किया, आगे होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में किसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कल तो कल की सारी क्लास जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये कल कराया था मैं, इसलिए थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ, अगर कल की क्लास आपने देखी है तो मुझे यहाँ पे आप कोई भी डाउट नहीं होने वाला है आपको। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, आगे देखिएगा, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा है। ए और डी, ए और डी वाला जो क्वेश्चन है जामिया में पूछा है, थोड़ा सा बस नंबर चेंज थे, जामिया या एमयू, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2023 का क्वेश्चन है, इस साल का, ए और डी का रेशियो पूछा था। ये बताइए क्या किया जाए, सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपको कल बताए थे ना कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू क्या लगते हैं हम लोग, सी बाई डी लिखते हैं, तो ये बी से बी कैंसिल होता है, सी से सी कैंसिल होता है, तो ए अपॉन डी आता है, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या कहते हैं 3/4, अब लिखते हो 5/7 इंटू सी बाई डी 8/9,
अब आइए, अभी जो मैंने एमजी कॉन्स्टेंट बताया, मल्टीपल गिवन जो कॉन्स्टेंट बताया था, अगर कुछ नंबर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई में दिए हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करके दिया है, तो आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना क्या है, ऐसा कौन सा नंबर न्यूमरेटर में पाया जा रहा है जो नीचे से नहीं कैंसिल हो रहा है? जल्दी बोलो, इसको लगाना ही नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर नहीं मिल रहा? फाइव। तो फाइव कहाँ दिख रहा है? इसमें फाइव है? नहीं है। इसमें फाइव है? नहीं है। इसमें फाइव है? नहीं है। इसमें फाइव है? यस, आंसर हो गया। यही देखना है। मल्टीप्लाई तो सभी कर ले जाएंगे, फोर टू सा कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिल ही ना करो, दिमाग में रखो ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे से नहीं कैंसिल। फाइव, फाइव जैसे आपको दिखा, यानी जब भी और ए डी का रेशियो जो आएगा उसमें जो पहला नंबर होगा वो फाइव उसमें जरूर होगा, फाइव का मल्टीपल जरूर होगा। तो टेन ही है जो फाइव का मल्टीपल है। तो मेरा आंसर, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते, देखिए फोर वन जा फोर, फोर टू जा, और यहाँ से थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, तो फाइव टू जा टेन रेशियो, और इधर आ जाएगा आपका, इधर सेवन है इधर थ्री है, सेवन थ्री जा 21। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये भी रखिए कि ऑप्शन से कैसे करें। ये बताइए, इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आ गया, चलिए और बताइए, आप लोग भी बताइए, सभी लोग, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए, ये वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। आपसे कह रहा है कि 6200 आपको डिवाइड करना है थ्री पार्ट्स में। आपसे कह रहा है कि ये जो रेशियो होना चाहिए जो तीनों लोगों को बांटना है वो 1/2, 1/3, 1/5 के रेशियो में होगा। जरा बताइए सबकी इनकम क्या है। ऐसे कितने लोग हैं जो ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट, आप बताइए। अगर मैं इसको ए मानूं, मान लेते बी पर्सन है, ये ए पर्सन है, बताइए ये ए है और ये सी है, तो बताएंगे पहले और दूसरे का रेशियो क्या आ रहा आपका, ये बताएगा। अरे थ्री इधर गया, टू इधर गया, थ्री इज टू टू, यही तो होगा। देख लीजिए 1/2 रेशियो 1/3, ये 1:3 है, 2:1, 1:3 करेंगे थ्री आएगा, रेशियो लगाएंगे 2:1। इसका मतलब है ए बी में अगर 3:2 का रेशियो है तो इनकम में भी उनका 3:2 का रेशियो होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे पहले और दूसरे वाले की इनकम का रेशियो 3:2 आ रहा है? एक ही ऑप्शन देखिए ये दिख रहा है, अगर मैं 0-0 कैंसिल करूंगा रेशियो निकालने में, 3:2, और कहीं भी 3:2 नहीं मिलने वाला आपको, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ये चीजें होती हैं कि कैसे आप, तो पिछला देखिए यहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं, तो इनकम वाले क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट ऐसे कर ले जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर कोई डाउट तो पूछिए, अभी हम लोग अभी इसको मैं सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा, जरा बताइए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, है ना? कुछ नहीं करना है आपको, एबीसी का रेशियो निकालना है बस, रिपीट 10। अच्छा रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं। देखिए अभी आपने देखा कि एबीसी का आपने क्या देखा है, और बी का रेशियो 1/2, 1/3 था। मैंने कहा बताइए कि और बी का रेशियो क्या होगा, आप बोले सर 3 1 3, 2 1 2, 3:2 होगा। जब रेशियो 3:2 ए के बी में हो रहा तो इनकम उसी रेशियो में बटेगी ना, तो इनकम में जो रेशियो होगा, जो पैसा है उनको मिलेगा, उस पैसे में का में रेशियो क्या होगा ए और के बी के, 3:2 का ही रेशियो होगा। जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है वही रेशियो, जैसे यहाँ पे 3:2 आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो जो ए है ये बी है, तो ए और बी में का जो पैसा मिलेगा उनको, उनका रेशियो क्या होगा उस पैसे का, अगर मैं रेशियो के फॉर्म में देखूँ तो क्या आएगा, 3:2। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे 3:2 निकालना, 3000 2000 में रेशियो निकालेंगे, 0 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3:2, और कहीं किसी ऑप्शन में अगर आप कैंसिल आउट करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या 3:2 आएगा, नहीं आएगा, 0 0 गया, 5 7 जा 5 3 जा, यहाँ 7 3 है, क्या यहाँ आएगा, कभी नहीं आएगा 3:2, इसमें 22 है, 22 3 से कैंसिल ही नहीं होता है, 25 3 आएगा ही नहीं, 3 से कैंसिल ही नहीं होता है, 35 आएगा ही नहीं, 3 से कैंसिल ही नहीं होता है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3000 आएगा जो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 का मल्टीपल है ये, तो 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा।
सर थोड़ा टफ, फुल सुन, हाँ फुल सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए एबीसी का रेशियो जरा बताइए तो क्या क्या है। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। सबसे पहले इनको क्या करिए, डिनोमिनेटर को सबको एक सबको सबका डिनोमिनेटर सेम करिए। कैसे सेम होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है। 2, 3, 5 का एलसीएम बताओ जल्दी से, 2, 3, 5 का एलसीएम बताओ जल्दी से। 30, सभी लोगों को पता है ना, 2 प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर लो। 2, 3 जै 5, 2, 3 जै 6 इंटू 5, 30। अब क्या करना है, 30 से सब जहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई। 30 को 2 से डिवाइड करो, 2 15 जा 15 आ गया। 30 को 3 से डिवाइड करो, 10 आ गया। 30 को 5 से डिवाइड करो, 6 आ गया। शुरू में पढ़ाया था, अब आप देख रहे हैं कि ए बी सी का जो रेशियो आ गया है वो 15 10 और 6 आ गया। कितना आ गया, 15 10 6। टोटल पैसा कितना आपके पास है, 6,200। और टोटल मैं अगर यहाँ से देखूं, जो टोटल यूनिट बन रहा है कुल तीनों को मिला करके, कितना यूनिट बन रहा है, सबको ऐड करो। 15 प्लस 10 25 प्लस 6 कितना आ रहा है, 31 यूनिट। 31 यूनिट टोटल आ रहा है, और टोटल दे रखा है 6,200। तो 31 यूनिट की वैल्यू आपकी 6,200 है, तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये बताएगा। अगर आपके पास 31 यूनिट की वैल्यू 6,200 है, तो 1 यूनिट की 6,200 को 31 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 200। कितना जाएगा, 200। सभी लोग जानते हैं, जब 1 यूनिट की पता हो गई तो क्या निकालना है, किसकी इनकम निकालनी, ए की इनकम बताओ। ए की इनकम है 15, जब 1 यूनिट की 200, तो 15 यूनिट की बताओ क्या वैल्यू होगी, 200 इंटू 15 कर दीजिए, तो पहले की इनकम निकल जाएगी 3,000। अगर आपको बी की निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, बी है 10 यूनिट, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,000 रुपये आ जाएगी बी की। सी की निकालनी है, तो 1 यूनिट की 200, तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,200 का कितने आ जाए, 1,200 आ जाएगी आपकी सी की इनकम। ये तो आसान होता है, जैसे आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकली, उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बस 1 यूनिट की वैल्यू को जो भी रेशियो में वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आंसर आपका आसानी से निकल आएगा। तो ये आपका जो है मेथड है पूरा सॉल्व करने का, और ऑप्शन से चेक करने का मेथड मैंने बताया कि ए और बी के इनकम का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। एक्स मान करके कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत एक्स मान करने की नहीं है, क्योंकि ये सब लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इतना टाइम नहीं आपके पास है कि आप एक्स मान के चलेंगे, आप यहीं से देख देख करके आंसर करेंगे। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं मैं, और कहीं एक्स वक्स बहुत कम जगह, अगर जहां पे लगेगा, जहां पे ऑप्शन मैच खाएगा वहां पे लगाएंगे भी, ऐसा नहीं कि एक्स लगाएंगे ही नहीं, लेकिन जहां पे हम लोग देखिए समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि ए बी का रेशियो अगर 3:2 है, तो ऑप्शन में भी कौन सा समझ में नहीं आया ये बताइए, कौन सा समझ में नहीं आया आपको। ये जो रेशियो वाला था, हमने 1/2, 1/3, 1/5 रेशियो था, हमने कहा 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम जो लोगे तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 1/2, 30 × 1/3, 30 × 1/5, आपका रेशियो आ जाएगा 15 10 और 6। भाई टोटल पैसा आपके पास 6,200 है, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 15 10 और 6 सबको ऐड करो, 31 यूनिट। 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6,200, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6,200 को 31 से डिवाइड कर लो, 200 रुपये आएगी, 200। 201 यूनिट की वैल्यू आई, तो जरा बताइए ए की इनकम निकालना है, तो ए की इनकम है क्या, 15 यूनिट। 1 की 200, तो 15 की कितनी, 15 × 200 3,000। 1 की 200, तो बी की है 10 यूनिट, बी की कितनी, 200 × 10 कितने, 2,000। तीसरी आपकी आ जाएगी 200 × 6 कर दें 1,200, तीनों की आसानी से इनकम निकल जाएगी। ऑप्शन से देख करके कर लो यार, यहाँ से 3:2 रेशियो होगा, 3:2 ऑप्शन में देख करके आंसर टिक करो, और क्या चाहिए बताइए, ऑप्शन से ही कर सकते हो, बिना लगाए हुए कर सकते हो। समझने की कोशिश करो कि जो रेशियो दे रखा उसी रेशियो में पैसा भी तो होगा, अगर ए बी का रेशियो 3:2 आ रहा है, तो उसके इनकम का रेशियो भी 3:2 होगा, कंफर्म है, ऑप्शन में देख करके टिक कर लो, क्या प्रॉब्लम है बताइए। चीजें समझ में आ रही हैं, समझने की कोशिश करो, चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे ना,
आप क्वेश्चन देख के आंसर कर जाओगे, आपको कुछ कोई कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइएगा। 2600 को डिवाइड करना है 1 to 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में, जरा बताइए सबका शेयर क्या होगा। ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करिए और आप देखिए बताइए पहले और दूसरे में रेशियो क्या आ रहा है, ये बताएगा। मैसेज करिए क्या आना चाहिए। बी 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 बी, और सभी लोग, सबको सबका आना चाहिए, एक लोग नहीं सभी लोगों का आना चाहिए। सबसे पहली बात ए और बी में देख रहे हैं कि 3:2 का रेशियो है, 1/2, 1/3 का रेशियो करेंगे बिना लगाए, 3 और 2 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए और बी के शेयर में भी रेशियो कितने का होगा, 3:2 का। तो 3:2 कहाँ बन रहा है, ए में नहीं, देखो ए में 2 0 कैंसिल होगा, 4 2 6 जा और 2 3 जा, यहाँ तो नहीं बन पाएगा, यहाँ तो 1:2 आ जाए, 2:1 आ जाएगा, नहीं होगा। यहाँ अगर देखा जाए 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 4 2 जा, यहाँ पे 3:2 आ रहा है, बाकी यहाँ भी 3:2 आ रहा है, देखिए है ना कितना आ रहा, देखिए 2 नहीं, यहाँ पे नहीं, 2 3 जा 2 4 जा, 3:4 आ रहा है, तो यहाँ पे 3:2 कितना आएगा, यहाँ पे देख लिया जाए तो 4:3 आएगा। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको, कौन सा ऑप्शन मिला। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ऐसा था जहां पर ए और बी का शेयर का रेशियो 3:2 था, तो मेरा आंसर हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे भी बताएगा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी कर लीजिए। ये बताइए रेशियो क्या है, 1/2। एक बार आप बस खाली समझ जाइए, दोबारा आपको फिर कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा भैया, जरा बताइए इनको पहले डिनोमिनेटर को सेम करिए, तो कैसे सेम होता है, इनका एलसीएम लिया जाता है, तो 2 3 4 का जरा बताइए एलसीएम क्या होगा, ये बताएगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 4 3 12। अब क्या करना है, एकदम सेम चीज, अब ये नहीं बार बार मल्टीप्लाई करके लिखे, दिमाग में बैठाइए, 12 को 2 से डिवाइड करिए 6 रेशियो, 12 को 3 से डिवाइड करिए 3 4 जा रेशियो, 12 को 4 से डिवाइड करिए 3, ये रेशियो आ गया। टोटल कितना है, 2600, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 6 6 + 4 10, 10 + 3 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2600। इधर बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर लो कितना होगी 1 यूनिट की, 200 रुपये। अगर 1 की 200 आ गई, जब 1 यूनिट की वैल्यू पता है और ए का शेयर कितना है 6 यूनिट, तो 1 की 200, तो जरा बताइए ए का शेयर है 6 यूनिट, तो 6 × 200 कितना आ जाएगा, 1200 यानी 1200। बाकी अगर बी का निकालना है तो 4 × 200 कितना आ जाएगा, 800। अगर सी का निकालना है तो सी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट, 1 की 2 200, 3 की 3 × 200 600, तो 1200, 800, 600। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको डाउट है, एक भी ऐसा है स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन इससे इजी, इससे कम कैलकुलेशन सिर्फ देखना है। मैंने आपसे क्या कहा था, डिवाइड करना जानिए, थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कॉन्सेप्ट जानिए, इतना ही सीखना है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है का शेयर 2/9 है बी के, यानी ए जो है वो 2/9 है बी के, और कह रहा है कि बी एंड सी गेट्स 3/4 ए, सी का जो वैल्यू है वो 3/4 ए है। जरा बताइए, आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए ए बी सी का शेयर क्या है। सबसे पहले बात अगर आप फोकस करो क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, जरा बताइएगा। तो ये अगर मैं बी का रेशियो देखूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे बी को इधर ले आइए, 2:9 कितना आ रहा है, 2:9, तो ऑप्शन आपका वही होगा जिसमें 2:9 होगा। तो जरा बताइए यहाँ पे 2:9 है, नहीं है, यहाँ पे 2:9 है, बिल्कुल नहीं, 0 0 कैंसिल नहीं आएगा, 5 से कैंसिल कर ली, देखिए यहाँ पर 2, अरे भाई 15 में 2 थोड़ी होता है, डिविजिबिलिटी पढ़ लिया करिए, डिविजिबिलिटी मालूम चल जाता है कि कौन किसका मल्टीपल होगा, 15 में 2 आता ही नहीं,
ये भी चला गया, यहाँ पे 2:9 मिल रहा है, यहाँ पे 2:9 मिल रहा है, ये तो यहाँ तक हो गया। लेकिन एक चीज और कह रहा है, सी और ए का रेशियो अगर देखा जाए कितना आ रहा है, जरा बताइए तो। सी और ए का रेशियो अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3:4। तो अब चेक कर लीजिए कि सी और ए में 3:4, ए देखिए यहाँ पे है, ये बी है, ये सी है। सी और ए को पकड़िए, सी को पकड़िए, देखिए ये है और ये यहाँ पे इन, यानी ये सी आपका 150 है, ये 200 है। रेशियो जरा निकाल लीजिए कितना आ रहा सी और ए का। पहले सी का ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20, तो 3:4 है। देखो सी का ए से रेशियो कितना है, 3:4 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस खाली यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, कुछ मत करिए, ऑप्शन देखिए, ए बी में 2:9, दो ऑप्शन कैंसिल, दो बचा, सी और ए में 3:4 आंसर हो गया। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बताएगा कोई, सॉल्व कैसे करेंगे, वही रूल है आपका। आपको क्या करना है कि ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, आप लिखेंगे ए बी का रेशियो है 2:9, और यहाँ पे सी और ए का रेशियो कितना है, 3:4, ये आपका है। सी और ए बताइए ना, सी और ए, अरे सी और देखिए ना, सी आपका कितना है, 150, 150, और ए है 200। इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, 0 से 0 कैंसिल करिए, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 15, 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 5 4 20, 3:4। इससे और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ी हो पाएगा, 3:4 आपका रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई, अब कोई डाउट? चलिए अगला देखिएगा आप। और एक चीज और भी है, आप टोटल सबको ऐड भी कर सकते हैं ना, लेकिन सबको ऐड करेंगे थोड़ा सा आप देखेंगे कि वहां पे नहीं, फिर एक बार और चेक करना पड़ेगा, एडिशन से भी आ जाएगा। कह रहे हैं 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखिए 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये बताइए रेशियो कैसे निकालते हैं आप लोग। ये है 200, हाँ ये रेशियो निकालना कैसे होता है, 150। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको निकालना, कैसे निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, अब 15, और अब आप ऐसा नंबर चूज करिए जो दोनों को कैंसिल करे, रेशियो तो ऐसे निकलता है। तो 5 3 15, 5 4 20, अब इससे ज्यादा थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों, अब इससे ज्यादा फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर भी नहीं पाएंगे। बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का, 3:4। देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पर भी ए, ए को क्या करिए, इक्वल कर लीजिए। कैसे इक्वल होगा, देखिए ये ए का अगर देखा जाए यहाँ पे 2 यूनिट बन रहा है, यहाँ पर ए 4 यूनिट है, तो क्या करिए, ए को 4 कर लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पिछला कॉन्सेप्ट याद करिए, तो जब ए वाले पहले वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा। आप लगा दीजिए ऑप्शन, 2 2 ज़ा 4, ए कितना आ गया, 4। देखिए ये बी है, 2 9 ज़ा 18, ये आ गया 18। अब रही बात सी का, सी कितना जरा बताइए, सी आपका 3 है, सी आपका 3 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लीजिए आसानी से, अब क्या करना है आपको, 18 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है, 25। 25 यूनिट की वैल्यू है 1250। आपसे क्या पूछा है, कुछ भी जो पूछा निकाल लीजिए, जो भी इनकम पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड कर लीजिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, 4 यूनिट, तो ए की इनकम है 4 यूनिट, तो 4 × 50 आ जाएगा 200। बी की निकालनी है तो बिल्कुल इजी, 4 यूनिट है आपका ना, बी कितनी है, 18 यूनिट, तो 18 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900। इसी तरीके सी भी निकाल लीजिएगा, सी आपका क्या है, 3 यूनिट, तो 3 × 50 करेंगे तो 150। तो आप डिटेल भी सोल्यूशन देख लिए, आपने कैसे ऑप्शन से करना ये भी देख लिया। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर दीजिए, कौन कह रहा है, अब तो आ गया होगा।
अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, ये बताइए, कोई बताएगा? ऑप्शन से बताइए, सभी लोग आंसर क्या आना चाहिए बताइए। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई ए बी एंड सी, फिर वही बात, ए बी का रेशियो यहाँ पे 2:3 है, बताओ कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 2:3 दिख रहा है? आपके मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऑप्शन से लगा दूंगा। सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए, सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए? बी, कोई कह रहा है बी बी बी, और आप लोग बताइए, बी 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 बी, कौन कह रहा है बी? देखो, देख लेते हैं बी हो रहा है कि नहीं। 2:3, 2:3, पहला पहले में पहली बात देखो, ये 0-0 कैंसिल करो, 15 में क्या 15 में 2 आता है कभी? 15 2 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये तो गया। यहाँ भी वही हाल, ये तो गया, 2 आएगा ही नहीं 15 में, 0-0 कैंसिल, यहाँ भी ये भी गया। बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि यहीं पे देखिए 2:3 मिलेगा, 0-0 कैंसिल, 8 2 16, 8 3 24, तो 2:3 देख करके आंसर करिए, आगे बढ़िए। और रही बात सॉल्व करने की, तो तरीका वही वाला भी जो पिछला तरीका है, इसको लगाऊंगा नहीं, ए बी का रेशियो दिया, बी सी का दिया है, बी को इक्वल करके ए बी सी का रेशियो निकालिए, सबको ऐड करके 700 के इक्वल करिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये बताइए, क्या डिटेल्स में सॉल्व करना जरूरी है कि फिर मैं ऐसा ही रहने दूँ? डिटेल्स में सॉल्व करूं कि ऑप्शन देख करके फिर हम लोग आगे बढ़े? डिटेल्स में कर ले जाएंगे ना, बताइए आप लोग, हो जाएगा ना? ये तो आसान है, चलिए कुछ नया क्वेश्चन आया तो देखा जाए। किसको बताइए? इसमें देखो कुछ लैंग्वेज हो सकता है प्रॉब्लम हो, है ना, 70 या 60, ये देखना पड़ेगा इसको। इसको बताइए, कह रहा है ये सम ऑफ रुपीज 76 डिवाइड अमंग ए बी सी इन सच वे दैट, कह रहा है कि ए को जो है बी से 7 ज्यादा मिलता है ना, एंड बी जो है सी से 6 ज्यादा है, तो बताइए उनका शेयर क्या है? लगाइए सभी लोग, देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए और बी सी तीनों का रेशियो देखिए, दे तीनों का सम 76 है, और आपको तीन चीजें दे रखी हैं, हमें तीनों पता नहीं है, ये लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है आपसे कि ए गेट 7 मोर देन बी, बी से 7 ज्यादा ए को मिलता है, अगर बी को मैं मान लेता हूँ एक्स मिल रहा है, तो जरा बताइए ए को कितना मिल रहा होगा? x+7, 7 ज्यादा मिल रहा है, मैं बी नहीं पता था ना बी कितना मिल रहा है। फिर कह रहा है बी एंड बी गेट 6 मोर देन सी, अच्छा ये काम करिए उल्टा ले लीजिए, अगर मैं मान लेता हूं कि सी को एक्स मिल रहा है, तो जरा बताइए बी को कितना मिलेगा? कह रहा है बी जो है 6 ज्यादा है सी से, तो सी एक्स है, तो बी कितना होगा? 6 ज्यादा यानी x+6, और ए को बी से 7 ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कितना मिलेगा ए को? इसमें 7 ऐड करिए, बी वाले में x+6 में जो है 7 ऐड कर लीजिए, x+13, ये आपका टोटल रेशियो आ गया। तो कह रहा टोटल कितना बन रहा है पे 76, ऐड कर लीजिए तीनों को, x+x+x 3x, 13+6 19 की वैल्यू 76, 19 उधर ले जाइए, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 76 में से 19 माइनस करें कितना आएगा? 47, देख लीजिए कितना माइनस करें सभी लोग, 57, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर लीजिए 57 को 3 से, 19, तो x की अगर 19 है तो जरा बताइए निकाल लीजिए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में? 19, ये वाला बी ऑप्शन, ये नहीं बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, फिर जब सी दिख गया 19, तब ये नहीं कि 19 में आप 6 ऐड करेंगे 25, ये बी हो जाएगा, ये 19 हो गया ना, और 19 में 13 यूज करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा से अलग था, हमने सी को एक्स लिया, बी जो था इससे 6 ज्यादा था, तो x+6 हो गया,
ए जो है बी से 7 ज्यादा था, तो इसमें 7 ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस 13 हो गया। तीनों को ऐड करके 76 कर दिया। एक्स प्लस एक्स 3 एक्स हो गया, 13 प्लस 6 19 हो गया। 3x+19 की वैल्यू 76, 3x की वैल्यू 19 उधर जाके माइनस करेगा, 76 माइनस 19 करेंगे 57, 3x की 57, x की 19। जब x की 19 आ जाएगी तो निकाल लो x की 19, इसमें 6 ऐड करेंगे b निकल जाएगा, 13 ऐड करेंगे तो a निकल जाएगा, बी ऑप्शन। ये एक नया क्वेश्चन आ गया था क्या, इसको बताइए। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। जब लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो जो स्पीड का रेशियो होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डी कांस्टेंट है यानी डी बदल नहीं रही है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका उल्टा। टाइम का रेशियो होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 रेशियो, 4 का रिवर्स कर दो 1/4, इधर आ जाएगा 1/6, ये टाइम का रेशियो होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो ऑप्शन इसमें चेक करिए, पहले और दूसरे में चेक करिए, 4 इधर गया 3 इधर गया, तो यहाँ बताइए पहले और दूसरे वाले में टाइम का रेशियो क्या आ रहा, 4:3। तो जो ऑप्शन में फर्स्ट और टू का रेशियो 4:3 होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ चला गया, बस इतना चेक करना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि टाइम का रेशियो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, 1/3, 1/4, 1/6। मैंने जस्ट दो ऑप्शन पकड़ा, 1/3, 1/4, यहाँ देखा 4:3 है, ऑप्शन में गया 4:3 लगा के चला आया। अगर इस तरह से मैच खाता तो मैं दूसरा, मैं डी और सी को देख लेता। बात समझ में आई? हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना, उसका उल्टा होता है। ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, टाइम का पूछेगा तो टाइम का रेशियो उसका इनवर्स हो जाएगा। इसको बताइए, कह रहा है कि तीन पार्टनर हैं, कह रहा है कि बताइए आप लोग, 3 टाइम्स शेयर ऑफ ए, कह रहा है कि 3 टाइम जो शेयर ऑफ ए वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ बी, वो इक्वल है 12 टाइम्स ऑफ सी। जरा बताइए ए बी सी का रेशियो, तो बहुत ही आसान हो गया। सभी लोग बताइए, इसे सभी लोगों का आना चाहिए, तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन, पहला क्या आएगा 24 है ना, 24 आएगा। दूसरा अगर करेंगे तो 12 3 जा, अरे भाई सही चेक कर लीजिए ना, ए और बी का रेशियो क्या आएगा, 2:3। 2:3 कहाँ दिख रहा है, पहले में तो नहीं दिख रहा, ए बी का रेशियो 2:3, दूसरे में यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2:3 है, नहीं है, ऑप्शन हो गए तो सी। बिल्कुल सही, राइट आंसर। आप सिर्फ ए बी को चेक कर लीजिए ना, ए और ए फर्स्ट और सेकंड में पूछूं ए और बी का रेशियो क्या होगा तो क्या होगा, जरा बताइए, 2 को ही रहने दीजिए और 3 इधर आएगा तो 2:3 रेशियो होगा, तो ऐसा ऑप्शन जहां पे 2:3 दिखाई दो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, बाकी कहीं नहीं आएगा, यहाँ पे 2:3 नहीं है, यहाँ पे 6:1 है, यहाँ पे 1:6, यहाँ 3:2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर ले जाएंगे, कितना आएगा देखिए, 12 2 जा 14, बी को निकालना है तो 12 3 जा 36, सी निकालना है तो इसको बंद करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप देख लीजिए, अब 2 से कैंसिल कर लें, यही तो आएगा, ये का कहीं तो गलत तो नहीं आ गया, देख लीजिएगा तो। सही है, हाँ सही तो है, 4:6:1 तो गया है, 6 से कैंसिल कर लीजिएगा ना, 6 1 जा 6 6 जा 6 4 जा 4 6 1। अगला देखिएगा, हाँ ये बताइए, देखिए आ गया पहला कॉन्सेप्ट जो बताए थे, 2 नंबर का रेशियो 3:8 है, उनका डिफरेंस 115 है, जरा बताइए स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर ये बताइए, 2 नंबर हैं, रेशियो क्या है, मान लीजिए पहला ए है दूसरा बी है, आपसे पूछा इनका डिफरेंस दे रखा 115, आपसे स्मॉलर पूछा, स्मॉलर का मतलब
3 यूनिट। तो पहली बात तो ये है, तुरंत ऑप्शन पे जाइए। मैंने आपसे बताया था ना कि जो पहला नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल क्या 59 है? नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? 9 कैंसिल 4 1 5, नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? 8 प्लस 1 9, 9 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा लेकिन 4 बच जा रहा, नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, मेरा आंसर हो गया। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल देखिए बिना सॉल्व किए है ना, क्या करना है आपको? 3 का ऐसा ऑप्शन जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं पूछता बड़ा नंबर क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल होता हो। आप सॉल्व कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन क्या किया, 3 का मल्टीपल देखे, ऑप्शन कर दिया, आंसर हो गया। कितना टाइम लगा आपको? विद इन सेकंड हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लीजिए। ये बताइए, कह रहा है कि उनका डिफरेंस 115 है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 माइनस 3 करिए, ये 3 है ये 8 है, डिफरेंस कितना आ रहा? 5 यूनिट। कितना आ रहा है? 5 यूनिट। 50 सेकंड कहाँ लग रहा है यार? 3 का मल्टीपल तो 2 सेकंड में हो जाएगा। 3 का मल्टीपल में 50 सेकंड तो लगना ही नहीं चाहिए। 3 का मल्टीपल आपको दिख नहीं रहा? 3 का मल्टीपल कैसे निकलता है? डिजिट का सम कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 115। ये बताइए, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 115 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? सभी लोग मैसेज करिए, 5 यूनिट की वैल्यू 115 है तो 1 यूनिट की वैल्यू सभी लोग बताइए 23। डिवाइड कर लो 115 को 5 से, 23। जब 1 यूनिट की वैल्यू है, स्मॉलर नंबर है कितना? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू बताओ, 23 × 3 कर देंगे 69। जब 1 की आपकी 23 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 69। तो ऐसे आप सॉल्व भी कर लीजिए, तो सॉल्व भी बहुत बड़ा थोड़ी होने वाला, छोटे में हो जाता। ये बताइए कैसे लगेगा? द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इतना, उनका रेशियो दे रखा है इतना। जरा बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 का मल्टीपल, ऐसा ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो रहा है आपका आंसर हो जाएगा। 25 नहीं हो रहा है, गया 45 नहीं हो रहा, लेकिन ये भी 7 से हो रहा है, ये भी 7 से हो रहा है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखिए 70 नहीं हो सकता, क्यों भी बताएगा? कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों नंबर जो आएंगे उनका प्रोडक्ट 1575 है। ये है कैसा? ऑड नंबर। तो दो नंबर को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। ऑड ऑड का मल्टीप्लाई करने पे ऑड आता है, ये इवन नहीं होगा। 70 अगर पहला नंबर ले लेंगे, उसमें किसी नंबर और नंबर ले लीजिए, वो जब मल्टीप्लाई करें कभी किसी हालत में 1575 नहीं आएगा। तो 70 तो आने से नहीं रहा, 35 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 35 आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आप लगाना चाहते तो लगाना, बस यही आपको चेक करना, उसमें और कुछ जोड़ना। अगर लगा, अगर मान ले कोई ऐसा ऑप्शन सब मिल जाता तो आप कैसे लगाते? आपको फिर लगाना पड़ता। आप क्या करते जानते हैं? यही वाला जो आपका बेसिक मेथड है, पहला नंबर ले लेते 9 के, दूसरा ले लेते 7 के, फिर लिखते कि 9K × 7K। अब ये सब देखिए जो नहीं पढ़े हैं इस तरह का, अब वो सब पूरा बड़े मेथड से लगाते हैं। 9K × 7K, दोनों का प्रोडक्ट कितना देकर रखा है? 1575। यहाँ पे 63K² देखिए कितना लेंदी जाएगा, ये आएगा, फिर यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1575/63। अब इसको कैंसिल करिए, फिर के की यहाँ से वैल्यू निकालिए, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब वो के की वैल्यू आएगी, तब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तब यहाँ पे मिले। आप यहाँ डिवाइड करेंगे ये 25 आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा 25 आएगा, और 25 पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो पहला नंबर हो जाएगा 5 × 9 45, और दूसरा नंबर हो जाएगा 5 × 7 35, क्योंकि 9K है ना पहला नंबर, दूसरा 7K है, K आ गया 5। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीपल क्यों, 9 का मल्टीपल क्यों नहीं किए? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था ना 7, ये 9 है ना, 9 बड़ा है ना 7 से, स्मॉलेस्ट पूछा। देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना? किसी को और डाउट है क्या? सर 7 9 का डिफरेंस से नहीं होगा?
7 9 का डिफरेंस नहीं दिया है ना, दोनों का प्रोडक्ट दिया है। देखो प्रोडक्ट दिया है, अगर डिफरेंस दिया होता तो फिर डिफरेंस लगाता। हाँ देखिए, अब टाइम बचा है 6 मिनट, एक क्वेश्चन बता देता हूँ इस वाला। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। कह रहा, दो नंबर हैं जिनका रेशियो 2:3 है। मैं आपको जानते हूँ, बिना सॉल्व किए बहुत सारी चीज सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि 2 नंबर का रेशियो 2:3 है। कह रहा है कि पहले वाले नंबर में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एंड सेकेंड वाले में कह रहा है कि 2 अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि रेशियो जो हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 1:2। यही तो क्वेश्चन आपका है। कह रहा, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, सम निकालना है कि दो नंबरों का सम क्या होगा। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देखिए अब क्या गेम कैसे चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, 2 नंबर अगर 2:3 के रेशियो में है, जिससे पूछूंगा बताएगा, एक में से अगर आप 2 माइनस कर रहे हैं और दूसरे में 2 ऐड कर दे रहे हैं, ये बताइए कि टोटल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? टोटल यानी दोनों नंबरों के सम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सभी लोग बताइए, क्या सम में कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि एक में से 2 माइनस कर रहे हैं, दूसरे वाले में 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल तो क्या होगा, दोनों का सम तो वही रहेगा। अगर सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? और सम होगा क्या? सम देखिए, बिना जब जब आप ऐड नहीं किए थे, सब्ट्रैक्ट नहीं किए थे, तो रेशियो कितना था? 2:3। इसका मतलब यह है कि सम जो है, बिना जब हमने कुछ नहीं किया था, तो आ रहा था 5 यूनिट। कितना आ रहा था? 5 यूनिट। जब मैंने दो एक में से 2 माइनस किया, दूसरे में 2 ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया। तो ये बताइए कि अब सम कितना आ रहा है, टोटल कितना यूनिट बन रहा है अब माइनस और प्लस करने के बाद? आप बोलेंगे सर 3 यूनिट। एक बात आप ये भी जान रहे, अभी आपने हमसे कहा कि सर सम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब ये हुआ सम जो भी होगा इन चारों में से, वो 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो पहले बताइए, सम जो होगा वो 5 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। ये बात आपके दिमाग में आ रही कि नहीं? कि सम तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो सम पहले तो 5 यूनिट है, बाद में सम 3 यूनिट बना है, लेकिन सम बदल नहीं रहा है। इसका मतलब सम जो होगा वो 5 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 5 का भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है? 5 3 का मल्टीपल, बताइए कौन सा ऑप्शन है? ये देखिए, 3 से 5 से नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर हो गया। बस इतना सोचना, ये चीज मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज को समझिए, सम पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सम पहले 5 यूनिट है, बाद में 3 यूनिट है, वो बदल नहीं रहा है, तो आंसर जो होगा 5 और 3 का मल्टीपल होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 30 30 मेरा आंसर हो जाएगा। किसी कोई डाउट हो बताएं, अगर आप सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे? करें लास्ट में आप मल्टीपल नंबर, मल्टीपल से कैसे जोड़े, मतलब कहाँ जोड़े? भाई सम की बात निकाल रहा है ना, सम क्या होगा? हम दोनों का यूनिट, जो भी नंबर का रेशियो उनका ऐड करेंगे तभी तो सम निकलेगा। बस समझ में आ गई? अगर आप सॉल्व करना चाहते तो क्या करते? आपका बेसिक मेथड वही कह रहा था, क्या करते आप? करते पहला नंबर 2x है, कहेंगे इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, दूसरा मान लेते 3x, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया, बोलते रेशियो कितना हो गया? 1/2। अब इसी को सॉल्व करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके पहला नंबर से नंबर निकालिए, क्योंकि पहला नंबर आपका 2x है, दूसरा आपका 3x है, ठीक है? तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। आपने मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों यूज किया? देखिए, इसलिए मैंने यूज किया, मैं ये चीज यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमको पूछा है सम, रेशियो मुझको दे रखा है, मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि रेशियो में जब सम पूछेगा तो दोनों को मैंने ऐड किया था कि नहीं, सम हमेशा क्या होगा? 3 2 5, 5 के मल्टीपल में आएगा। 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर आपने 2 ऐड कर दिया, मैंने कहा कि ओवरऑल जो नंबर का सम, उस पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? आपने कहा नहीं पड़ेगा, एक को 2 कम के दूसरे को 2 बढ़ा दिया है, तो फर्क कहाँ पड़ेगा टोटल पे? टोटल पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन रेशियो कितना हो जा रहा है ऐसा करने से? 1:2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जो सम देख रहा हूँ 1:2 में, तो 3 यूनिट आ रहा है, तो पहले 5 यूनिट आ रहा था, अब 3 यूनिट आ रहा है। और एक बात और दिमाग में आ रही है कि रेशियो जो सम, फर्क चेंज नहीं हो रहा है,
और सम आप जानते हैं मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट में कि रेशियो में दे रखा है, तो सम जो होगा उन दोनों के रेशियो के सम का मल्टीपल होगा, शुरू वाला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पहले जो नंबर का सम होगा तो पहली बात 5 से डिविजिबल होगा और साथ साथ 3 से भी डिविजिबल होगा, तो तुरंत मेरा आंसर हो जाएगा 5 और 3 से जो आंसर डिविजिबल होगा मेरा आंसर होगा। बस समझ आया कि नहीं, कोई डाउट हो बताइए। अगर आंसर मैच का था तो मैं वेरीफाई भी कर लेता, अभी आगे आएगा वेरीफाई करके दिखा दूंगा, और बाकी जो बेसिक मेथड है आप सॉल्व कर लीजिए।